You play here. We want the door. Oh no, too much. Dandelion. MG. Cinder body. Hello, Zad. MG. Okay, don't worry, Zad. जी हाँ फ्रेंड्स, जैद की तरह कई लोगों को V1 और V5 डू डज और डोंट डजन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए आज मैं आपके कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। मैं हूँ जावेद और हम लोग हैं एडुरेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि डू डज का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे या प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ वर्ब 5 यानी वर्ब के साथ एस या एस को जोड़ते हैं। और जहाँ भी हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे वहीं डू और नेगेटिव में डोंट का इस्तेमाल करेंगे, वहीं इंटरोगेटिव में डू और जहाँ भी हम लोग V5 का इस्तेमाल करेंगे वहाँ इंटरोगेटिव में डज और नेगेटिव में डजन का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू टीच इंग्लिश, नेगेटिव, यू डोंट टीच इंग्लिश, इंटरोगेटिव, डू यू टीच इंग्लिश। और दूसरा एग्जाम्पल, ही लाइक्स कॉफी, नेगेटिव, ही डजन लाइक कॉफी, इंटरोगेटिव, डज ही लाइक कॉफी। इसी तरह की और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दे दिए हैं। इसे प्रैक्टिस करें और ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।